तो गाइज ये वाला जो इफेक्ट आप देख रहे हो, इस इफेक्ट को टिकटॉक पर बहुत सारे बंदे अपलोड कर रहे हैं और सबकी वीडियो ट्रेंड में भी जा रही है। तो आपको भी ये वाला इफेक्ट बना देना चाहिए टिकटॉक पर, ताकि आपकी भी वीडियो ट्रेंड में जा सके, क्योंकि जो चीज़ ट्रेंड में होती है बहुत ही ज़्यादा लोग इसको बनाते हैं और सबकी वीडियो ट्रेंड में भी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो यहाँ पे लाइक करके रखा हुआ है और सबके मिलियंस व्यूज, मतलब आप देख सकते हैं मिलियंस में व्यूज हैं, सबके मिलियंस में व्यूज गए हैं जिन्होंने भी इस इफेक्ट को बनाकर अपलोड करे। बहुत सारे लोग इसको अपलोड करे और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप इस इफेक्ट को बनाओगे कैसे। तो इस इफेक्ट को बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, इसका जो ओरिजिनल साउंड है वो आपको फेवरेट कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसका ओरिजिनल साउंड फेवरेट में नहीं करोगे तो आप इसका ओरिजिनल साउंड यूज करके ये वाला वीडियो नहीं बना पाओगे। तो फेवरेट पे करने के लिए मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करा था 4-5 मिनट पहले, उस वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को ओपन कर लेना। मेरे वीडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो ओरिजिनल साउंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस जिसका जो ओरिजिनल साउंड आप देख रहे हो एडिट टू फेवरेट, आप मत देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको फेवरेट में ऐड कर दिया, अभी नहीं ऐड है, आप देख सकते हो ऐड टू फेवरेट बता रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर ले रहा हूँ। तो आपको भी इसको फेवरेट में ऐड कर लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप ये वाला साउंड यूज करके वो वीडियो नहीं बना पाओगे। तो इसको सबसे पहले फेवरेट में ऐड कर लेना। फेवरेट में ऐड करने के बाद सिंपली हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, पूरा बैक आना है और यहाँ पे जो वीडियो बनाने वाला आइकन होता है हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। तो कैमरा ओपन होने के बाद गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फोटो टेम्पलेट, ये वाला ऑप्शन मैं आपको दिखा दूँ, फोटो टेम्पलेट वाला ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आप देख सकते हो, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। तो हमको टेम्पलेट यूज करना है, यहाँ पे आप नंबर से देख रहे हो ये वाला जो नंबर यहाँ पे 3 से लेके 28 तक है, तो हमको यूज कौन सा करना है, हमको यूज करना है 1900 बोले तो 19 नंबर वाला। तो यहाँ पे हम 19 नंबर वाले पे आ जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ रहेगा 19 नंबर वाले इफेक्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 19 पे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल एक्सपोजर। तो यहाँ पे जो डबल एक्सपोजर वाला इफेक्ट है आपको ये वाला इफेक्ट यूज करना है, क्योंकि यही वाला जो वो इफेक्ट है जो सब लोग बना के टिकटॉक पर अपलोड कर रहे हैं, तो आपको भी ये वाला इफेक्ट यूज करना है। तो ये वाला इफेक्ट यूज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट फोटो, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट फोटो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपके गैलरी से सारे फोटोज़ ओपन हो जाएंगे। तो आपको दो फोटो अपना चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला दो फोटो चूज़ कर लेता हूँ अपना, तो आप अपनी कोई भी दो फोटो चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपको सिंपली ओके वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दें। तो गाइज अगर आपको सिर्फ एक फोटो वाला इफेक्ट बनाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ ब्लैक टाइप में आता है और ओनली वन फोटो रहता है, अगर आपको ऐसा बनाना है जो आपने पहला फोटो सिलेक्ट किया था दो फोटो में से, आपको पहला फोटो ब्लैक फोटो सिलेक्ट करना है, एक ब्लैक फोटो सिलेक्ट कर लेना है, तो ऐसा इफेक्ट आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका वीडियो जब इतना बन जाएगा तो आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि इसमें ये इफेक्ट का साउंड लगा हुआ है, मतलब एक म्यूजिक है, आपको ओरिजिनल साउंड यही वाला लगाना है, दुनिया से तुझको चुरा के रख लूँगा अपना बना के, यही वाला आपको ओरिजिनल साउंड लगाना है, क्योंकि यही वाला ट्रेंड में, तो आपको भी यही वाला यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसी इफेक्ट का म्यूजिक रहेगा, आपको इसको चेंज करने के लिए आपको जो मैंने अभी फेवरेट में डलवाया था वही वाला ट्रिक काम आने वाला है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो साउंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे साउंड वाले ऑप्शन पर, और साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो आपने फेवरेट में डाला था वो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे फेवरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे अपने, और यहाँ पे अभी हमने इसको ही फेवरेट पे किया था और ये वही वाला सॉन्ग है, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम इसको ओके करेंगे थोड़ी देर लोडिंग लेगा और इसी साउंड पर हमारा जो वीडियो वो बन जाएगा, और हम इस वीडियो को बनने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको हम अपलोड करेंगे थोड़ा सा हैशटैग वैशटैग लगा के। तो मैं कौन कौन सा हैशटैग यूज करता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ भी लिख देना है कैप्शन में, आप कुछ भी लिख सकते हो कैप्शन में कुछ भी लिखने के बाद अभी आपको क्या करना है, हैशटैग यहाँ पे आपको ये लगाना है, जैसे BFX हो गया, फनी हो गया, डांस हो गया, चैलेंज हो गया, और यहाँ पे लिपसिंग हो गया, मतलब कॉमेडी। ये सब आपको मैं क्यों लगाने के लिए बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको कारण भी बता देता हूँ। जैसे कि मैं पूरा बैग आता हूँ, ये मैंने वीडियो पहले से पोस्ट करके रखा है, तो मैंने बस आपको बताने के लिए इसको पोस्ट करा है। मैं बता देता हूँ ये वाला हैशटैग आपको क्यों यूज करना है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च का ऑप्शन, ये जो डिस्कवर का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये टॉपिक्स आप देख रहे हो, टॉपिक्स
कॉमेडी, गेमिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्यूटी एंड स्टाइल, फिटनेस, हेल्थ, मोटिवेशनल, और यहाँ पे लर्निंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेब, और यहाँ पे फूड, और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पोर्ट, लाइफ टिप्स, अर्ट्स, यही सब आपको यहाँ पे हैशटैग यूज करना है। ये सब हैशटैग यूज करने से आपको फ़ायदा क्या है, जैसे टेक हो गया, टैलेंट हो गया, ट्रेवल हो गया, आप देख सकते हैं। ये मतलब ये ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ पे कॉमेडी पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे टिकटॉक पे सिर्फ कॉमेडी वाले जो वीडियोज़ हैं वही शो करेगा। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हैशटैग यूज है कॉमेडी, कॉमेडी कॉमेडी हैशटैग यूज है, इसीलिए ये मेरे को दिखा रहा है वीडियो, क्योंकि इसमें हैशटैग कॉमेडी यूज है। तो यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स हैं, जो भी हैशटैग यूज होते हैं वही टॉपिक्स अगर कोई बंदा चूज़ करता है तो वो उसी को दिखता है। तो हम करेंगे क्या कि हमारा जो वीडियो सबको दिखे, सारे टॉपिक्स पे दिखे, इसीलिए हम ये ट्रिक लेकर आए हैं कि हम क्या करेंगे, हम सारे हैशटैग अपने एक वीडियो में लगा देंगे। जो भी मतलब आपसे हो सकता है, जो भी अच्छे अच्छे हैशटैग हैं वो आपको एक वीडियो में लगा देना है, ताकि क्या हो सके कि आपका जो वीडियो वो हर टॉपिक पे दिखे। इससे क्या होगा, आपका वीडियो जो वायरल होगा, बहुत ही ज़्यादा वायरल होने का चांस होगा, और वो हर टॉपिक वाले को दिखेगा, तो आपके वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा लाइक्स आएगी और आपकी वीडियो जल्दी वायरल होगी। तो यही ट्रिक, मतलब थोड़ा सा वर्किंग ट्रिक है, यही ट्रिक मैं भी करता हूँ। तो अभी मेरा जो ये टिकटॉक आईडी है, मतलब बहुत कम समय में मैंने बनाया, इसके पहले मैं टिकटॉक नहीं यूज करता था, अभी मेरे को 15 से 20 दिन हुआ टिकटॉक यूज करते हुए, ज़्यादा दिन मेरे को हुआ नहीं। और आप देख सकते हैं मेरी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, 11,000, ये देख सकते हो 36,000 व्यूज, इस पर 17 है, इस पर भी 17 है, तो अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे टिकटॉक पर। फिर भी इतने बुरे भी व्यूज़ नहीं है मेरे टिकटॉक पर, अच्छे खासे थोड़े बहुत आ जाते हैं, जैसे कि इसमें 45 के हैं। तो आपको यही वाला ट्रिक यूज करना चाहिए अभी, मैं मतलब अगर आप छोटे क्रिएटर हो तो आपकी वीडियो ट्रेंड में जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और अगर ऐसे ही आपको किसी भी टिकटॉक के वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए, VFX हो गया, कोई भी टिकटॉक का वीडियो, कुछ भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है टे चरमान, RD रेड करके टे चरमान करना है। तो आपको किसी भी वीडियो पे मेरा नाम मेंशन कर देना है। कैसे मेंशन करेंगे, जैसे मैं अपना ही वीडियो खोल रहा हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है कमेंट का ऑप्शन, तो मैं कमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे कमेंट पे ऐड कमेंट आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करूँगा ऐड कमेंट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको साइड में एक ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला RD रेट वाला, ये वाला ऑप्शन RD रेट वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा टच, जैसे कि आप देख सकते हो। टच लिखने के बाद ये वाला मैं आइकन लगा दूंगा, एक छोटा वाला जो बीच में है, उसके बाद मैं लिख दूंगा अरमान। तो टच अरमान लिखने के बाद क्या होगा, मेरी जो आईडी है यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो सबसे ऊपर वाली मेरी आईडी है यहाँ पे मेंशन हो रही है, जो सबसे ऊपर मेरी आईडी है, आप उसी को मेंशन अगर कर देते हो तो मतलब आप जो भी वीडियो मतलब VFX ट्यूटोरियल चाहते हो वो वीडियो मेरे यहाँ पे नोटिफिकेशन में शो होने लगेगा। तो यहाँ पे अगर मेरे नोटिफिकेशन में वो वीडियो शो होने लगेगा तो मैं आपको उस वीडियो का ट्यूटोरियल लाकर जरूर दूंगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना, और यार सब्सक्राइब तो कर ही लेना, तुम्हारे भाई का ही तो चैनल है।